इंडियन बाइकर ड्राइविंग थ्रीडी गेम के कुछ ऐसे मिथ जिनको देख के आप भी कहोगे आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मिथ है, अगर आप RGS टूल में जाके UI ऑफ लिखोगे तो गेम के सारे ऑप्शन इनविजिबल हो जाएंगे। तो मैंने जैसे ही RGS टूल में UI ऑफ लिख के इसको अप्लाई किया तो हमारे गेम के जो कंट्रोल है वो इनविजिबल हो गए। आप लोग देख सकते हो इनकी ओपेसिटी कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। और कंट्रोल को पहले जैसा करने के लिए हमें RGS टूल में UI ऑन लिख के इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे गेम के कंट्रोल पहले जैसे हो जाएंगे। तो ये मिथ कन्फर्म है। तो हमारा अगला मिथ है, अगर हम RGS टूल में जेट लिखें तो हवा में जेट आ जाएंगे। तो लिखते हैं RGS टूल में जेट, देखते हैं क्या होता है। मुझे जेट की आवाज तो आ रही है लेकिन जेट दिख नहीं रहा है कहीं पे। कहाँ गया जेट यार आवाज तो? अरे ये रहो, अरे भाई साहब ये तो मिलिट्री का जेट है यार, देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है। ये तो मिलिट्री वालों का जेट है जिसमें से फायरिंग होती है भाई, इसमें युद्ध होते हैं, ये बहुत खतरनाक जेट है। ये यहाँ पे कैसे आ गया? क्या मैं इसको ब्लास्ट कर सकता हूँ? अरे नहीं यार, काफी आगे मार दिया मैंने यार, ये बहुत स्पीड से चल रहा है, इसको ना थोड़ा नाप तोल करके मारना पड़ेगा। रुको ये आगे मार के देखता उसके अब तो। अरे यार इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। तो हमारा अगला मिथ है, हेलीकॉप्टर में मैप होता है। तो हेलीकॉप्टर का चीट कोड है 8000 और ये आ गया अपने हेलीकॉप्टर। लेकिन एक सेकंड यार, पहले तो हेलीकॉप्टर दूसरा था लेकिन ये कौन सा हेलीकॉप्टर आ गया भाई? गेम में नया हेलीकॉप्टर आ गया और मुझे पता ही नहीं है। और ये देखो इस हेलीकॉप्टर में पता नहीं कौन कौन से मैप लगे हुए हैं, कौन कौन से दुनिया के मैप है इसमें भैया, ये सब क्या चल रहा है? और ये मेरे कैरेक्टर के टांगे तो देखो। गाइस तुम्हें पहले वाला हेलीकॉप्टर पसंद है या फिर तुम्हें ये वाला हेलीकॉप्टर पसंद है मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड इस वाले हेलीकॉप्टर में मैप लगा हुआ है तो ये मिथ कन्फर्म है। अरे 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 कहाँ जा रहा है ये? तो हमारा अगला मिथ है, सुपर स्प्लेंडर का स्पीडोमीटर काम करता है। तो ये रही अपनी न्यू सुपर स्प्लेंडर और इसको भगा के देखते हैं इसका स्पीडोमीटर काम करता है या फिर नहीं करता है। फिलहाल इसकी सुई तो आगे पीछे जा रही है, इसका स्पीडोमीटर तो काम कर रहा है वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन ये कितना काम करेगा, मतलब इसकी स्पीड कितनी है वो तो दिखा दो भैया। यहाँ पे मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगा रहा हूँ लेकिन इसकी सुई तो यहीं पे अटक गई, ये तो आगे जा ही नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं यार, बाकी बाइक का स्पीडोमीटर काम ही नहीं करता, इसका कर तब भी रहा है तो ये मिथ कन्फर्म है। तो हमारा अगला मिथ, अगर हम NPC की चलती गाड़ी में ड्राइविंग का ऑप्शन दबाएं तो हमारा कैरेक्टर NPC को लात मार के निकालता है। तो NPC को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या। अरे ये देखो इसने अभी लात मारी, तुमने देखा इसने अभी लात मारी, लेकिन इसने गाड़ी के गेट में लात मारी, NPC के लात नहीं मारी। रुको मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूँ, अभी देखना जैसे ही मैं ड्राइविंग के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये लात मारेगा। देखो देखो इसने लात मारी, तुमने देखा ना इसने लात मारी, लेकिन इसने यार गाड़ी के गेट पे लात मारी, NPC के नहीं मारी। पहले तो लात नहीं मारता था लेकिन अब ये लात मार के NPC को बाहर निकालता है, वाह बेटे वाह। तो ये मिथ कन्फर्म है। तो हमारा अगला मिथ है, न्यू स्कूटी का स्पीडोमीटर काम करता है। तो न्यू स्कूटी का चीट कोड है 0000, 4 बार 0 डायल करोगे तो आ जाएगी पापा की परी की स्कूटी, जिसको चला रहा है पापा का परा। और ये देखो यार इस स्कूटी का स्पीडोमीटर काम कर रहा है, ये अपडेट में जितनी भी नई नई गाड़ियां आई हैं सबका स्पीडोमीटर काम करता है, देखते हैं इसकी स्पीड कितनी जाती है। अरे भैया ये तो पापा के परी 100 पे पहुंच गई। अरे यार इनने गिरा दिया। तो हमारा अगला मिथ है, हम RGS टूल में गाड़ी का नाम डाल के और गाड़ी का चीट कोड डाल के उसको स्पॉन कर सकते हैं। तो पहले तो हम RGS टूल में फॉर्चुनर का चीट कोड डालते हैं जो कि है 1000, देखते हैं क्या होता है। अरे नहीं यार फॉर्चुनर नहीं आई, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे अब हम डालते हैं ऑडी का जो कि है 500, लेकिन ऑडी भी नहीं आई। चूतिया बनाया तुमको। अब एक काम करते हैं, अब गाड़ी का नाम डाल के देखते हैं, क्या पता गाड़ी का नाम डाल के गाड़ी स्पॉन हो जाए। तो हम बुगाटी का नाम डालते हैं, देखते हैं नाम से गाड़ी स्पॉन होगी या नहीं हो गई। तो मैंने इसको अप्लाई किया लेकिन गाड़ी स्पॉन नहीं हुई, इसका मतलब RGS टूल में ना ही चीट कोड काम करता है और ना ही गाड़ी के नाम से गाड़ी स्पॉन होती है। तो ये मिथ बस्टेड है। तो हमारा अगला मिथ है, अगर हम कोबरा बाइक को अपने घर के पास वाली ग्रास पे स्पॉन करेंगे तो वो हवा में रहेगी। तो मैंने कोबरा बाइक को स्पॉन कर लिया है और वेट ये देखो ये तो जमीन पे है ही नहीं खड़ी हुई, ये तो हवा में खड़ी है। भैया ग्रेविटी कहां गई इसमें? ये बाइक अपने आप को पापा की परी समझ रही है तभी तो हवा में खड़ी है। तो ये मिथ कन्फर्म है। तो हमारा अगला मिथ है, कार शोरूम के अंदर गाड़ी को स्पॉन नहीं कर सकते। तो अपनी मस्टैंग जीटी भगाते भगाते मैं आ चुका हूँ अपने कार शोरूम में, इसे कहते हैं एंट्री। ये होती है भैया नवाबों की एंट्री, ऐसे मारते हैं एंट्री। तुमने मारी कभी ऐसी एंट्री? तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्च्यूनर को स्पॉन करते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर यहाँ पे स्पॉन हुई नहीं, लगता है वो छत के ऊपर स्पॉन हुई है। ऑडी को भी स्पॉन करते हैं लेकिन ये भी छत के ऊपर स्पॉन हुई है। भैया
छत मत तोड़ देना मेरी, इतनी खतरनाक तरीके से स्पॉन हो रही है। और यहाँ पर सच में हमारे शोरूम के अंदर गाड़ी को हम लोग स्पॉन नहीं कर सकते, तो ये मित्र कन्फर्म है। तो हमारा अगला मित्र है आरजीएस टूल में हेलो लिखो फिर देखो मैजिक। तो चलो हम लोग आरजीएस टूल में लिखते हैं हेलो HALLO हेलो लो। अरे वो देखो वहाँ से हाय लिख के आया। ओ भाई मतलब हम लोग अगर यहाँ पे हेलो लिखेंगे तो वहाँ से हाय लिख के आएगा, ये तो सच में मैजिक हो गया। मैं एक बार हाउ आर यू लिखता हूँ, थोड़ा हालचाल तो पूछ लूँ भैया। अरे 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 यार लोगों ने तो रिप्लाई नहीं दिया, बेइज्जती हो गई। तो हमारा अगला मित्र है हमारे ट्रेन के इंजन का पीछे का गेट खुला रहता है। तो आ चुके हैं ट्रेन के इंजन के पीछे और यहाँ पे कौन सा गेट खुला हुआ है? और यहाँ पे ये गेट खुला हुआ है भाई, ये कब खुला? मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ मैंने कभी जिंदगी में ये गेट नहीं देखा यार, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। यार मतलब मैं सोचता रहता था ट्रेन के अंदर कैसे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो पूरा गेट लगा हुआ है। लेकिन इस गेट से हम लोग ट्रेन के अंदर तो जा ही नहीं सकते हैं। चलो कोई बात नहीं यार, कम से कम गेट तो खुला हुआ है, तो ये मित्र कन्फर्म है। तो हमारा अगला मित्र है अगर हम आज ये स्टूल में जाके रोहित गेमिंग स्टूडियो लिखें तो वहां से हाय लिखा आएगा। ओके तो आरजीए स्टूल में हम लोग लिखते हैं रोहित गेमिंग स्टूडियो और इसको भेज देते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। भाई वो देखो वहां से हाय लिखा हुआ आया। देख रहे हो यार तुम्हारे भाई की रोहित गेमिंग स्टूडियो से बात है उससे कोई ऊपर? अब बताओ मेरी भैया रोहित गेमिंग स्टूडियो से बात है, मैं तो पावरफुल आदमी हूँ। तो हमारा अगला मित्र है हेलीकॉप्टर का कलर चेंज नहीं होता। तो मैंने हेलीकॉप्टर को स्पॉन कर लिया है और मैं इसका कलर चेंज करने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये मित्र कन्फर्म है। तो हमारा अगला मित्र है अगर आप कार शोरूम के पास जाके आरजीएस टूल में बर्गर शॉप टाइप करोगे तो देखो मैजिक। तो मैं अपनी सस्ती गाड़ी से आ चुका हूँ महंगे से शोरूम में, अब आरजीएस टूल में टाइप करते हैं बर्गर शॉप, देखते हैं बर्गर शॉप आती है क्या आता है। बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे वैसे भी। अरे यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं भैया, ये तो भैया पागल बना दिया क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। तो चलो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपके पास भी कुछ मिथ है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, फिर हम लोग अगली वीडियो में उन्हीं को देखेंगे। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और घंटी को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टीटा बाय बाय।